हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आईयूपीएसी नेम। सो स्टूडेंट, आज वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर 10th क्लास प्लस वन एंड आल्सो फॉर प्लस टू। इसके बिना आप केमिस्ट्री पर कंबाइंड नहीं बना सकते। अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कंबाइंड बनाना बहुत ही जरूरी है। और आज स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑर्गेनिक के सिंपल सिंपल रूल बताने वाली हूँ। बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी, डरने वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी वे से मैंने समझाया हुआ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैंने यूज नहीं करे हुए। और चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टेबल जो दिख रहा है आपको, अपनी नोटबुक पर बना लो। तो अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक चेन गिवन होगी, कार्बन और कार्बन की चेन। और इस चेन में आपने देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर तो चेन में एक ही कार्बन है तो हम मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन है तो एथ यूज करेंगे, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स यूज करेंगे, सेवन के लिए हेप्ट, एट ऑक्ट, नाइन नॉन, टेन डेक, इलेवन अनडेक, ट्वेल्व डूडेक। इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड चल रहा है, डबल बॉन्ड चल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है। अगर तो सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो उसके लिए हम एन यूज करेंगे, अगर डबल चल रहा है तो एन, एंड ट्रिपल के लिए आयन यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, बाकी का जो पोर्शन है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिए रखी है C2H6। C2H6 मॉलिकुलर फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा ऐसे। अगर किसी को स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। क्योंकि हमारा मॉलिकुलर से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना जरूरी है, तभी हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने चल रहे हैं उस चेन में। सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन टू, नंबर ऑफ कार्बन इज टू। एंड टू के हम क्या यूज करेंगे, एथ। टेबल में देखो स्टूडेंट, टू कार्बन हो तो हम एथ यूज करते हैं, सो वी विल राइट एथ, क्लियर। एंड देन वी विल सी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। एंड कार्बन टू कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या यूज करना है, एन। सो वी विल यूज एन, एथ प्लस एन। एंड एथ प्लस एन को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका नाम, इथेन, क्लियर। सो सिंपल। सो सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन टू थे तो टू के लिए हमने एथ यूज किया। और देन हम देखेंगे बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल के लिए हमने एन यूज कर लिया, इथ प्लस एन को कंबाइन किया तो क्या बन गया, इथेन, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, C3H8, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसके में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री कार्बन है तो थ्री कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉप, तो प्रॉप लिख दिया। देन बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल बॉन्ड चल रहा है, बॉन्ड सिंगल है, सिंगल के क्या यूज करते हैं, एन, तो क्या बन गया, प्रॉप प्लस एन, प्रोपेन, क्लियर। अब इसके बाद डबल बॉन्ड ले लेते हैं, तो इसमें कितने कार्बन है, वन टू थ्री, थ्री कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, प्रॉप। आपने अपनी नोटबुक पर टेबल बना रखा है स्टूडेंट, आप टेबल में से देख सकते हैं क्या यूज करना है। तो थ्री कार्बन के लिए हम प्रॉप यूज करेंगे, और बॉन्ड चल रहा है हमारा डबल, डबल बॉन्ड चल रहा है, सिंगल को नहीं देखना, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ही देखेंगे हम। तो डबल बॉन्ड को टेबल में देखते हैं हम क्या यूज कर रहे हैं डबल बॉन्ड के लिए, इन। देन वी विल यूज इन, प्रॉप प्लस इन क्या बनेगा, प्रॉप इन, क्लियर। सो फोर्थ एग्जाम्पल इज C4H8। सो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है, उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, ब्यूट। एंड डबल बॉन्ड चल रहा है कार्बन कार्बन सीरीज में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। सो इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटीन। नेक्स्ट वन इज C3H4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनेगा। एंड ये स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, थ्री, तो हम प्रॉप यूज कर देंगे।
और ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है कार्बन कार्बन सीरीज में, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयन। आपने जो नोटबुक पर टेबल बना रखा है उसे देख लेना, और हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करते हैं, तो फिर हम आयन यूज कर देंगे। नेक्स्ट इज C4H6, इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे। एंड ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है कार्बन कार्बन सीरीज में, तो फिर से क्या यूज कर दिया, आयन, तो इसका नामकरण क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्लियर। एंड सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम कर रहे हैं CH3OH। OH यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम फिर से चार्ट की तरफ देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगी, तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डू दिस नेमिंग। सो अगर हम चार्ट को देखते हैं, तो इस चार्ट में हमने 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज अल्कोहल, सेकेंड इज एल्डिहाइड, थर्ड इज कीटोन, फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को हम OH से डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड को CHO से डिनोट करते हैं, कीटोन को CO से, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH। सो स्टूडेंट्स अगर आपको चेन में OH ग्रुप दिखाई देता है, तो आप नेमिंग के लास्ट में ओल यूज करोगे, और अगर आपको CHO दिखाई देता है तो आप अल यूज करोगे, एंड CO के लिए ऑन यूज करोगे, और COOH के लिए ओइक यूज करोगे। क्लियर। सो हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, CH3OH। तो इसमें स्टूडेंट OH हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। सो रूल हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हम कार्बन को काउंट करेंगे। सो नंबर ऑफ कार्बन इज 1। सो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ। और चेन में कौन सा बॉन्ड चल रहा है, सिंगल, तो सिंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो हमने एन लगा दिया। ठीक है, एन लगा दिया। और ग्रुप कौन सा है, OH, तो OH के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप में देखते हैं, OH के लिए हम यूज कर रहे हैं ओल, OL। सो हम इधर क्या अटैच कर देंगे, मैथ एन के बाद ओल। ठीक है, मैथ एन एंड लास्ट में ओल। मैथ किसके लिए लगाया था, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो मैथ लगा दिया। और सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन लगा दिया। ग्रुप कौन सा है, OH, तो OH के लिए क्या यूज करते हैं, ओल। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। अब आप देखोगे कि मैंने एन का यहाँ पर एन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है कि अगर दो वोवल्स एक साथ हो रहे हैं, एक वोवल आपका बॉन्ड वाला और दूसरा वोवल आपका ग्रुप वाला, मीन्स ग्रुप वाला जे ओ और एक जे ई, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो हमने ये बॉन्ड वाला ई नहीं लिखना है, इसको स्किप कर देना है। सो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो वहां ई यूज करना था, तो यहाँ पर ई फिर हमने नहीं लिखना था। ठीक है, अगर आयन यूज करते तो ये वाला ई हमने यहाँ पे नहीं लिखना था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हमने मैथ यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन, ग्रुप OH है तो ओल यूज कर दिया, तीनों को कंबाइन करेंगे तो मेथनॉल बन जाएगा। और मेथनॉल लिखते समय ये जो ई है वो हमने नहीं लिखना है, अगर दो वोवल्स एक साथ हो रहे हैं, अगर यहाँ पर वोवल ना होता तो हम ये ई लिख सकते थे। कहने का मतलब है कि दो वोवल एक साथ हमने नहीं लिखने हैं कभी भी, अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो फिर इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज C2H5OH। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बन जाएगा, फिर से वही रूल है, दो कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देख लो पहले, दो कार्बन है तो एथ यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज कर दिया, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ओल यूज करेंगे। और अब तीनों को कंबाइन करो, तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला ई हमने नहीं लिखना है, तो क्या नेम हो गया, इथेनॉल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज CH3CHO, फिर से काउंट कर दो, नंबर ऑफ कार्बन 1। अब इस एग्जाम्पल्स में मैंने बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, तो आप खुद से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो, देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड चल रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, सो अब मैं शॉर्टकट से करने वाली हूँ, वैसे आप लोगों को मॉलिकुलर फॉर्मूला से और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों से ही नेमिंग करनी आनी चाहिए,
तो अगर हम मॉलिकुलर फॉर्मूला से देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टू कार्बन है, तो हमने एफ यूज कर दिया। और सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सी एच कौन सा ग्रुप है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम देख लेते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं, सो वी विल यूज अल। अब तीनों को कंबाइन करना है, तीनों को कंबाइन करने के बाद ये वाला ई फिर से नहीं लिखना है, तो नहीं लिखा ना हमने, एथिनल बन गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच ओ, तो फिर से वही बात है, कितने कार्बन यूज करे हुए हैं, फाइव कार्बन यूज किए हैं, फाइव के लिए पैन सिंगल बॉन्ड इन, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के लिए फिर से क्या यूज कर दिया, अल। फिर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो जी वाला ई हम नहीं लिखेंगे, पेंटेनल बन गया। एंड नेक्स्ट वन इज सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड एच। बच्चों मैं कीटोन्स की एग्जांपल नहीं करवा रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर मेल कर देना, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ कार्बन थ्री है, थ्री कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड चल रहा है इन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सी डबल बॉन्ड एच के लिए ओइक, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, ओइक। तीनों को कंबाइन कर दो तो फिर से कंबाइन करते टाइम जी वाला ई हम नहीं लिखेंगे, तो क्या नेम बन गया, प्रोपेनोइक ऐसे, ठीक है, प्रोपेनोइक हो गया। सो नेक्स्ट वन इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, फाइव हैं, तो पेंट यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन यूज करेंगे, और सी डब्ल ओ एच है तो ओइक यूज करा, सो तीनों को कंबाइन कर दो क्या बन गया, पेंटेनोइक, फिर से ये वाला ही हमने नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस इतना सा तो काम था, कितनी सिंपल नेमिंग है, आई थिंक मैंने बहुत ही इजी वे से समझाया हुआ है, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेल कर देना, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे से बच्चों की तरह आपको समझाया है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और ग्रुप्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। अगर हाँ आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी नहीं बनाना आता तो फिर भी कमेंट कर देना, देन उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, मुझे सपोर्ट कर देना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।